नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी एलजीडीसी का जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है जुलाई में, उसके अंतर्गत जो जीएस का पोर्शन आता है उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, सो दैट कि आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छी हो सके। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी मैंने प्रश्न दिए हैं उनके सॉल्यूशन भी मैंने साथ में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप लोगों से ये मेरी सलाह रहे कि जब भी आप जो है पहले तो प्रश्न पढ़ें, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर निकाल लें और बाद में आप सॉल्यूशन देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक, 1² + 2² + 3² डेड एडेस 10² में माइनस करना है 1 + 2 + 3 डेड एडेस 10 और फिर इसका मान बताना है। तो ऑप्शन है आपके 280, 330, 460 या 555। इसका हल देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको दो फार्मूले बताए हुए थे, पहला फार्मूला था कि 1² + 2² + 3² डेड एडेस एन स्क्वायर, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n(n+1)(2n+1)/6। तो इसके आधार पर जो हमारी पहली सीरीज है 1² + 2² + 3² + डेड एडेस 10², तो इसमें एन क्या होगा, एन जो है लास्ट नंबर होती है, तो यहाँ पर 1 से 10 तक की जो संख्या है उनके वर्गों का योग है तो n 10 हो जाएगा। इस तरीके से जो इसकी वैल्यू होगी वह होगी, देखिए n यानी 10, n+1 यानी 10 से एक आगे 11, और 2n+1 का मतलब है 10 के दूने में एक और जोड़ना है, तो 10 × 2 = 20 और 1 = 21, यानी 10, 11 और 21 को मल्टीप्लाई करना और 6 से डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए, अगर 3 से पहले डिवाइड करते हैं तो 3 × 2 = 6 आपके पास आ रहा, और 3 × 7 = 21, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो आंसर इसका आएगा 5 × 11 × 7, यानी ये आपका हो जाएगा 55 × 7 यानी 385। अब हम नज़र डालते हैं दूसरी जो हमारी सीरीज है 1 + 2 + 3 डेड एडेस 10। तो इसके लिए जो फार्मूला हमने बताया था वो आपको बताया था n(n+1)/2। तो यहाँ एन क्या है, देखिए एन जो है आपकी लास्ट वाली नंबर है, 1 से 10 तक संख्याओं का जो योग है, तो लास्ट नंबर 10 है। तो इसका जो आंसर होगा 10 n(n+1) यानी 10 और 10+1 = 11/2। तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग देना है, तो सीधी सी बात है 10 का आधा 5 हो जाएगा और 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आ जाएगा। इस तरीके से जो सीरीज है उनका हमें हल मिल चुका है 385 और 55। और प्रश्न हमारा कह रहा है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, कि इसे माइनस करना है, तो 385 में 55 हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 330। तो इस तरीके से सही विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 290, 460 तथा 552 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष क्रमशः 4, 5 और 6 प्राप्त हो। ऑप्शन है 13, 27, 12 या 17। तो एक चीज़ तो सबसे पहले दोस्तों हम हल की ओर बढ़ते हैं, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरह के प्रश्नों में बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए तो उसके लिए हमको HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है, और जब भी प्रश्नों में छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो हमें LCM ज्ञात करना होता है। शेष रहने की कंडीशन में जो LCM और HCF है उसमें डिफरेंस हो जाता है, तो अभी हम यहाँ पे LCM की बात नहीं करेंगे, सिर्फ HCF की बात करेंगे। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए और उसके बाद उसमें शेष बचने की बात की जाए, तो जो हमें HCF निकालना होता है, सबसे पहले जो शेष बच रहा है वो संख्याओं में माइनस करके वो संख्याएँ प्राप्त कर लेते हैं जिनका हमें HCF ज्ञात करना होता है। तो शेष बचने की दशा में वह संख्याएं जिनका HCF ज्ञात करना है, 3 संख्या हमारे पास है, 290, 460, 552। 290 में जो हमारा शेष बच रहा है वो 4 बच रहा है, तो हम 4 माइनस कर देंगे। 460 में शेष 5 बच रहा है तो हम 460 में 5 माइनस कर देंगे, और 552 में जो शेष बच रहा है 6 बच रहा है तो हम 6 माइनस कर देंगे। इस तरह से हमें वो संख्याएँ मिल जाएंगी जिनका हमें HCF ज्ञात करना है, 286, 455 और 546। अब इन 3 नंबरों का जो है हमें HCF निकालना है। देखिए दोस्तों, HCF निकालने के भी 2 मेथड होते हैं, एक होती है गुणनखंड विध और दूसरी होती है भाग विध। तो भाग विध में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, जो शेष बचता है उससे बड़ी संख्या को, जो अगली बची हुई संख्या है उसको डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से हमें HCF जो है मिल जाता है। परंतु यहाँ पे हम गुणनखंड मेथड की बात करें, तो गुणनखंड मेथड में जैसे आप लोगों ने बचपन में LCM निकाला होगा तो वही तरीका अप्लाई करते हैं, 455 पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से, फिर 13 से, और हमें 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से 546 को भी डिवाइड करेंगे, 546 पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से और 13 से, और 286 को भी इस तरह डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास फैक्टर आएंगे उनको हम एक क्रम में लिख लेंगे, जैसे 455 के फैक्टर आ रहे हैं 1 × 5 × 7 × 13, 546 के फैक्टर में मिल रहे हैं 1 × 2 × 3 × 7 × 13, और 286 का 1 × 2
गुणे 13। एचसीएफ में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कॉमन नंबर होते हैं यानी जो तीनों के गुणनखंड में नंबर आए हुए बस उन्हीं को लेते हैं, जबकि एचसीएफ में सभी नंबर ली जाती है। तो एचसीएफ में हमें जो कॉमन मिल रहा है आप बॉक्स में देख पा रहे होंगे, एक बॉक्स यहाँ पर जिसमें 1 मिल रहा है और दूसरा बॉक्स है जिसमें हमको 13 मिल रहा है। तो इस तरीके से जो एचसीएफ हमें मिल जाएगा वो 1 × 13 मिल जाएगा, यानी 13 × 1 में 13। तो इस तरीके से सही विकल्प होना चाहिए हमारा ए। हम एक बार विकल्प देख लेते हैं प्रश्न में, तो ये प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, 13। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक्स एक अभाज्य संख्या है, तब एक्स एवं एक्स प्लस 1 का लासा यानी एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन है एक्स एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2/3 या एक्स स्क्वायर या एक्स 1+x या 1। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो अपने अतिरिक्त यानी एक तो सबका होता है, एक से तो सारी नंबर डिवाइड होती है, तो एक की अगर हम बात ना करें तो ऐसी संख्याएं जिनका जो भाग है अपने अलावा किसी और नंबर से नहीं जाता एक को छोड़ के, तो वो सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जांपल की बात करें जैसे 7, तो 7 में क्या होगा, 7 × 7 = 7, 7 × 1 = 7, क्यों 7 से ही डिवाइड होगा। इसी तरीके से हम 11 की बात करें तो 11 × 1 = 11, तो यहाँ भी 11 अपने से ही भाग से भी भाग जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा 7 और 11 जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं में अगर हम बात करें, देखिए 9, तो 9 क्या है, 9 3 के भी टेबल में आता है, 3 से भाग जाता है, 3 × 9 3 × 3 = 9 और 9 × 1 = 9, तो 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। तो अभाज्य यहाँ पर x एक अभाज्य संख्या है तथा x एवं x प्लस 1 का लासा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दो नंबर हैं जिनकी हमको बात करनी, एक x और एक x प्लस 1। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, x अगर आपकी 11 है तो अगली नंबर एक जोड़ के यानी x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नंबर एक अभाज्य संख्या और उसकी बाद की जो तुरंत नंबर है, या आपने मान लीजिए दो क्रमागत नंबर, दो क्रमागत संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो अभी यहाँ दो संख्याएं हैं हमारे पास। अब देखिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था, लासा जो मतलब लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरीके से लासा जो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा हो जाएगा। तो यहाँ है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या है, तो दोनों ही कंडीशन में जो मासा होगा वो एक ही होगा, कॉमन सेंस है। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल की हम बात करेंगे। दो संख्याएं इन्होंने जो दे रखी वो दे रखी, एक तो एक्स और दूसरी एक्स प्लस 1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और जो इन दोनों का मासा है यानी 1 है उससे डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो देख रहे होंगे दो संख्याओं का गुणनफल हमने लिया है, एक्स और एक्स प्लस 1, 1 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 × x + 1। और आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने रख दिया है वो एक्स प्लस 1 की बजाय 1 + x कर दिया, तो सेम है। तो इस तरीके से सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी समूह में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8% अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात होगा। दोस्तों एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, देखिए हम यहाँ पर जो हमारी एक हमारा मेथड है जिसके आधार पर हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई की, जिस मेथड से हम प्रश्न सॉल्व करते थे, उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ रीजनिंग मेथड का जो अप्रोच है उसको लेने की ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं। और कंपटीशन में मेरी सलाह भी आपको यह है कि मैथ का जो पोर्शन है अगर वो रीजनिंग के तरीके सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है और गलतियाँ होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपका प्रतिशत का है। यदि किसी समूह में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8% अधिक है और अनुपात पूछा जा रहा है, यहाँ संख्या तो पूछी नहीं जा रही, तो प्रतिशत का मतलब देखिए एक कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर ग्रुप में 100 बच्चे हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, तो अब यहाँ 8% का अंतर है, तो इसके लिए 100 का आधा हम लेंगे 50। अब लड़कों की संख्या 50 से मतलब अंतर 8% है, तो 8 का हम आधा कर लेंगे, तो 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, 50 में से जिनकी ज़्यादा है 4 जोड़ देंगे, 50 + 4, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हम इसमें कम कर देंगे, 50 - 4। तो इस तरीके जो हमको नंबर मिलेगी, लड़कों की संख्या 54 मिलेगी और लड़कियों की संख्या जो मिलेगी 46। देख लीजिए अंतर 8 का है, तो 100 में 8% का अंतर यहीं से निकला है, ठीक है, डिफरेंस आ गया।
8% अधिक हो तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। एंड थोड़ी सी इस प्रश्न में मिस्टेक है, मैं आपको बता दें, प्रतिशत नहीं होगी, 8 अधिक होगा, प्रतिशत आप हटा दीजिए, तो कितना है, 8 अधिक है। यदि किसी समूह में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में अनुपात क्या होगा। तो 8 का डिफरेंस दिया होता है, नहीं, ये परसेंटेज आप जो है रखिए। तो इस तरीके से अभी क्या होगा, हमारा अनुपात जो है लड़कों का, बॉयज़ का और गर्ल्स का जो अनुपात आना चाहिए वो आएगा आपका 54:46, आपका हो जाएगा 46। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 27 और ये 23। लेकिन ये जो अनुपात आया है बॉयज़ और गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों का आया, क्वेश्चन में आपका लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात पूछा गया, तो ये आपका जो है पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 23:27। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन दिया, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, यदि समूह में कुल 100 व्यक्ति हों तो जो बॉयज़ हो जाएंगे वो 54 हो जाएंगे, गर्ल्स जो हो जाएंगी 46 हो जाएंगे। इस तरीके से जो रेशियो निकल के आएगा वो 23:27 आ जाएगा। तो ये आंसर आपको होना चाहिए। देखिए, अगर आप एक ही नियम से लगाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा पॉइंट में आपका आंसर आए, लेकिन राउंड फिगर में अगर पॉइंट में भी आएगा तो लड़कों और लड़कियों की संख्या पॉइंट में तो हो नहीं सकती है, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से जो व्यक्तियों की संख्या वाले प्रश्न होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर में ही सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर आ जाएगा, 23:27। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। राम और श्याम की उम्र का अंतर 20 वर्ष है। यदि 5 साल पहले राम श्याम की उम्र का 5 गुना था तो वर्तमान में दोनों की उम्र क्रमशः है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे 20 साल का अंतर दे रहा है, तो ये जो उम्र का अंतर होता है वो हमेशा पूरी उम्र के दौरान सेम ही बना रहता है। आप 5 साल पहले की बात करें या 5 साल बाद की बात करें, उम्र का अंतर जो है वो एग्जैक्ट ही रहेगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की उम्र एक साथ बढ़ेगी एक साथ घटेगी, तो डिफरेंस जो है वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है, फिक्स है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऑप्शन चेक करके उन ऑप्शन को हम हटा देंगे जहाँ पर हमको अंतर 20 नहीं मिल रहा होगा। और उसके बाद भी यदि हमको सब जगह अंतर हमको 20 ही मिल रहा है, यानी जो अंतर दिया गया ये अगर चारों ऑप्शन में, तो फिर हम ऑप्शन के तरीके से अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो तरीका भी मैंने नीचे दिया हुआ, लेकिन सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 20 का जो अंतर है, अगर आप देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में हमें दिख पा रहा है। यहाँ पर भी 40 में 15 गया, 20 का अंतर नहीं है, 20 और 10 में भी 20 का अंतर नहीं, 35 और 25 में भी 20 का अंतर नहीं। तो इस तरीके से जो अंतर हमको मिल रहा है 20 का, वो डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि चारों ऑप्शन के अंतर 20 होते तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन की मदद से क्या हमें कैलकुलेशन करना था। तो ये आप देख लीजिए, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में 40 साल और 15 साल दिया है, तो 5 साल पहले हम उम्र निकाल लेते हैं। तो चार जो राम है वो 5 साल पहले 35 वर्ष का रहा होगा और श्याम जो है 10 साल का रहा होगा, और 5 साल पहले की जो कंडीशन दे रहा है कि जो उम्र है वो एक की उम्र दूसरे की 5 गुनी है, तो यानी छोटी वाली नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमको बड़ी वाली नंबर मिल जा रही, तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन से ही होना चाहिए। लेकिन यह ऐसा नहीं हो रहा है, देखिए छोटी उम्र है 10, 10 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, जबकि हमारे पास क्या है, राम की उम्र 35 वर्ष है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में अगर हम बात करें तो जो उम्र दी है वो 35 और 25 दी है वर्तमान उम्र, तो 5 साल पहले 30 और 20 रही होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 20 को यानी छोटी नंबर को जब आप 5 गुना की बात कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो वो 30 नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन सी में यदि हम बात करते हैं, 20 और 10 दिया हुआ, तो 5 साल पहले उम्र 15 और 5 थी, तो अब छोटी नंबर 5 है, इसका 5 गुना निकालेंगे तो 25 आएगा, 5 25, लेकिन यहाँ 15 दिया हुआ, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी पर जाते हैं, तो 30 में 5 गया 25 और 10 में 5 गया 5, 5 का 5 गुना 25, 5 25 आता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो दोनों कंडीशन को मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में फार्मूला बेस है, फार्मूला बेस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हमको मालूम होना चाहिए और आपको याद भी होगा कि मैंने जो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ उसमें कुछ फार्मूले भी बताए थे और जो नोट्स है उसमें भी फार्मूले हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, जनरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। इसमें चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो इसकी वैल्यू जीरो हम जब रख देंगे तो ये जीरो का स्क्वायर भी जीरो होगा। इस तरीके से हमारे पास जो बचना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बचना है। अब सिंपल हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, तो ये प्लस वाला जो टर्म है ये दूसरी तरफ जाएगा, और जब दूसरी तरफ ये जाएगा यानी बराबर के दूसरी तरफ इसको हम जब ले जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, यानी जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर जो आ जाएगा माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे भी ऑप्शन दे सकता था, यह ब्रैकेट खोल के भी आपको ऑप्शन मिल सकता था। यदि हम ब्रैकेट खोल देते तो जो अंदर के, देखिए ब्रैकेट खोलने में क्या होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है मल्टीप्लाई में, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर की जितनी भी नंबर है उनका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे सारी संख्या जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस में, और पहली नंबर के आगे जैसा आप लोग जानते हैं कि प्लस का साइन यदि होता है तो हम नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर ये भी आ सकता था ऑप्शन में माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, तो ऑप्शन सी से ही होना चाहिए इसमें। और हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको बता दें दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। दिए गए चित्र में एक्स का मान होगा, ये आपके आगे फिगर एक बना हुआ है, इसमें ये एक्स आप देख पा रहे हो, इसका मान आपको बताना है क्या होगा, 30 डिग्री 160 डिग्री 80 डिग्री या 130 डिग्री। तो इसके सॉल्यूशन में बढ़ने से पहले हम दोस्तों बता दें कि एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में, कोई भी त्रिभुज है अगर उसकी किसी एक साइड को आप बाहर की ओर बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमने बढ़ा दिया, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये अपने पास वाले एंगल को छोड़ के अन्य दो एंगल के योग के बराबर होता है, यानी अन्य दो, देख लीजिए अगर ये एंगल आप स्क्रीन पर देख लीजिए 20 डिग्री है और ये दूसरा वाला एंगल ये 30 डिग्री है, तो जो ये बाहर वाला एंगल है जिसको बहिष्कोण बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी 30 प्लस 20 यानी कितनी होगी 50 होगी थोड़ी देर के लिए। और एक चीज़ और आप ध्यान दे लीजिए, किसी भी त्रिभुज में यदि एक लाइन को बाहर की ओर बढ़ाते तो जो ये बहिष्कोण बन रहा है आप ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इसका जो मान होता है, तो आप मान लीजिए ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर ये थोड़ी देर के लिए 130 है तो जो अंदर वाला एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, क्योंकि लाइन पर 180 का एंगल बनता है तो 180 में 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फिगर हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो देखिए एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 30 डिग्री और प्लस यहाँ पर एंगल जो लिखा है वाई, इन दो के बराबर होगा। अब चूंकि y की हमें वैल्यू नहीं मालूम, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या होगा कि 180 में 130 माइनस करना होगा। 180 में जब 130 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन पे बने एंगल है और एक लाइन पे हमेशा जो 180 अंश का एंगल बनता है, इसलिए हम माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा 80। हमारे ऑप्शन में 80 का सी पर है तो आप इसको कर सकते हैं। आपके सोल्यूशन के लिए मैंने देखिए यहाँ पर दिया है कि एंगल वाई क्या है 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री, और एंगल एक्स जो होगा 30 प्लस वाई यानी 30 प्लस 50 इक्वल टू 80 डिग्री 80 डिग्री हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 40 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 72 दिन में करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है 160 15 10 या 5 व्यक्ति। सिंपली अगर हम मेथड से बात करें तो ऐसे प्रश्नों को दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो आपको याद होगा ऐसा मेथड जैसे आप लोग 9th और 10th में पढ़ते थे मैथ की बुक में, कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का कार्य निकालते थे और उसके बाद हम कैलकुलेशन करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या रहेगा, रीजनिंग का रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि GTC के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने हमसे परचेज भी किए हुए हैं, तो सब लोगों को भाई थैंक्स जिन लोगों ने नोट्स लिए। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या उन्हें PDF चाहिए वो परचेस करना चाहते हैं तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनमें मैंने फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपके GDC के एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैंने कोशिश की फैक्ट्स को ही रखे, और मैथ के पोर्शन में मैंने उतनी प्रश्नों को और उसी पोर्शन को रखने का प्रयास किया है जिस तरीके के प्रश्न UPSC NGTC के एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। और वैसे सिलेबस बहुत बड़ा है, सबको कवर कर पाना दोस्तों देखिए 100% पॉसिबल नहीं है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स से अतिरिक्त है, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो हो सकता है कि आपको नोट्स में ना मिले, मैं प्रैक्टिस कराने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रेगुलर जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट करके ला रहा हूँ जो मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग GS से संबंधित जो है
मुझे कमेंट करते रहिए कि आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, इससे मुझे आसानी होती। प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि देखिए पढ़ाना उतना मुझे कठिन नहीं लगता है, जितना ज़्यादा सबसे परेशानी वाला मुझे काम लगता है कि क्या पढ़ाया जाए। एक बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि घर में क्वेश्चन होता है कि खाना क्या बने, तो खाना बनाना तो बहुत आसान होता है लेकिन खाना क्या बने ये बहुत बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में इस प्रश्न के लिए एक समस्या बनी रहती होगी। तो मेरे साथ भी ये समस्या है दोस्तों कि पढ़ाना तो आसान है लेकिन क्या पढ़ाया जाए, इसमें मुझे कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है और उसके लिए जो वीडियोज़ हैं वो डिले हो जाते हैं। मैं सोचता ही रहता हूँ कि अब मुझे क्या पढ़ाना है या क्या पढ़ाया जाए जो आपको जो फ़ायदा हो सकता है। तो सॉरी दोस्तों मैंने आपका समय लिया थोड़ा सा, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को एक तो अप्रोच हमने बात की कि जैसा आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था वो है, और दूसरा रीजनिंग का मेथड है। तो हम प्रयास हमारा यही रहेगा कि पहले हम रीजनिंग का मेथड अप्लाई करें, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और गलती भी कम होगी। तो उस रीजनिंग के लिए देखिए कुछ चीज़ें, रीजनिंग का मतलब है आपको सोच के प्रश्न सॉल्व करना है। तो पहले कम दिन में कार्य समाप्त करने हेतु अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपको अपना घर बनाना है और आप चाहते हैं कि जल्दी बन के तैयार हो जाए, तो स्वाभाविक है आपको ज़्यादा जो मजदूर हैं उनको काम पर लगाना पड़ेगा। और यदि वही घर सेम घर आप कम मजदूर लगाते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप मजदूर आप बढ़ा देंगे, व्यक्ति आप बढ़ा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और यदि काम देर में हो रहा है तो व्यक्तियों की संख्या उसी रेशियो में घटानी पड़ेगी। तो यही चीज़ है। अब हम प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए पहले 40 मजदूर 18 दिन में कर रहे थे, अब 72 दिन में काम करना है, यानी कार्य आप डिले कर रहे हैं। कितना डिले हो रहा है? तो 4 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। 18 चौक 72, 18 6 18 3 4 18 6 72, यानी 18 4 70 72, 4 टाइम्स का अंतर आ रहा है। तो 4 टाइम डिले हो रहा है तो इसका मतलब 4 टाइम आप आदमी कम लगा रहे हैं। तो अभी पहले आपने 40 आदमी लगाए थे, तो आप 4 टाइम कम लगाएंगे यानी 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप 10 आदमी अब आप लगाएंगे, तब जाके 72 दिन में पूरा होगा। तो सिंपल था, कॉमन सेंस से क्वेश्चन था, आप निकाल सकते थे। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। दिन 72 क्या है? 18 गुणे 4, यानी 4 गुना अधिक दिन लग रहे हैं। तो व्यक्ति क्या होंगे? 4 गुना कम होंगे। तो व्यक्ति 4 गुना कम होंगे यानी 40 व्यक्ति है, तो अब 4 गुना कम कितने हो जाएंगे? 10 व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस तरीके से सही विकल्प जो हमारा होना चाहिए वो सी होना चाहिए, 10 व्यक्ति। दोस्तों मैंने प्रयास किया हुआ है कि मेरे दी गई जानकारी में कहीं त्रुटि ना हो, मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है। फिर भी यदि मुझे कहीं त्रुटि इंगित होती है या आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चलता है या किसी भी सोर्स से मुझे पता चलता है कि कहीं मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत है, तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में जाके पिन कर दूंगा, जो कि आपको सबसे पहले ही शो करेगा। एंड जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग से गलती हो सकती है, तो यदि ऐसी कोई गलती मुझे नज़र आती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ बहुत जल्द कुछ नई जानकारी के साथ, और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग जो कमेंट करें उनमें से मैं कोई टॉपिक उठाऊँ और आसानी जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता जाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।